मेरे प्यारिओ, की तुसी ठीक ठाक हो? शायद तुहाडे जीवन विच बहुत दुख तकलीफ है। इस तरह महसूस करते हो कि हालातों के करके तुसी डुब जाओगे, तुहाडे खिलाफ लोग इन्ना कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है तुसी घबराउणा नहीं है, मैं तुहाडे नाल रहिंदा हाँ। सो परमेश्वर का वचन साढ़े नाल है। इसलिए दूसरा कुरिंथियां 1:10 विच प्रभु का जन इस तरह कहता है, जिन्हें सानू एहो जी डाढ़ी मौत तो छुड़ाया ते छुड़ावेगा जिदे उत्ते असा आस रखी है, जो ओ फिर भी सानू छुड़ावेगा। जी हाँ, प्रभु साडा बचाउण वाला है। उसने सानू बचाया, अज भी बचाउंदा है ते अग्गे भी बचावेगा। प्रभु येसु मसीह साडा छुड़ाउण वाला प्रभु है। बाइबल दे विच शद्रक मेशक ते अबदनगो तीन आदमियों बारे असी पढ़ते हाँ। उन्होंने राजे दी घड़ी हुई उस मूर्ति दे सामने अपना सिर नहीं चुकाया ते राजे दा गुस्सा भड़क उठ्या, उन्होंने अग विच सुट दिता। लेकिन उन्होंने कहा, साडा परमेशर जो है वो जिउंदा है, इसलिए असी तेरी मूर्ति नूं नहीं मन सकते, तेरी मूर्ति नूं असी बिल्कुल मत्था नहीं टेकांगे। सो परमेश्वर ने उन्होंने अग दी बलदी हुई भट्ठी विच्चों बाहर कढ़िया। इस तरह परमेश्वर ने उन्हां तीन आदमियों नूं बचाया ते उन्हां दी जान दी राखी कीती। उत्तर भारत विच सेवा करन वाले मिशनरियां दे बारे मैं एक गल सुनी। कुछ मिशनरी भाई भैणां दे एक बार एक सच्ची घटना दे बारे विच मैनूं दस्या। एक दिन उह खुशखबरी दे प्रचार लई किते जा रहे सन ते उन्होंने एक नदी नूं पार करके किसी जगह ते पहुंचना सी जिथे उन्होंने खुशखबरी सुनाउणी सी, ते इस तरह प्रचार की सेवा करके उन्होंने उत्थों वापस मुड़ना सी। जदों उन्होंने वेख्या कि नदी नूं पार करना है, पानी का वहाव बहुत तेज़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा सी, तां अचानक उत्थे एक बलदां वाला गड्ढा आया ते उन्होंने उस बलदां वाले गड्ढे विच बैठ के नदी नूं पार करन दी कोशिश कीती, पर नदी का पानी इन्ना ज़्यादा वध चुकिया सी कि गड्ढे विच बैठ के इसनू पार करना संभव नहीं सी। गड्ढा डक्को डोले खान लगा ते जिहड़े बलद सन ओह भी पानी दे विच डोल रहे सन। मिशनरियां ने सोचा कि अज पानी सानू डुबा देवेगा, सो ये सोच के उन्होंने परमेश्वर नू पुकारिया, तां वेखो अचानक दो नौजवान उस पानी विच उतरे ते पानी विच तैरदे होए गड्ढे कोल, ते उन्हां दोहां ने गड्ढे नू दोहां पासियां तों संभाल लिया ते ओह तैरदे होए उस गड्ढे नू नदी तों पार लै गए ते उत्थे लिजा के छड दिता। जदों उन्हां भाई भैणां ने वेख्या तां उन्हां ने सोचिया कि सानू इन्हां नौजवानां दा धन्नवाद करना चाहीदा है, सो उन्हां नू लब्भन लगे पर ओह नौजवान किते ना दिसे। तद उन्हां ने जाणिया कि परमेशर ने अपने स्वर्गदूतां नू उन्हां दी राखी दे लई भेजिया सी, सो उन्हां ने इस गल दे लई प्रभु दा ए कह के धन्नवाद कीता कि उसने उन्हां नू बचाया। सो उन्हां शुकर कीता परमेशर ने अपने लोकां नू उन्हां दी सुरक्षित जगह ते पहुँचाया। सो अज भी परमेशर उही परमेशर है जो सानू इसे तरह बचाउंदा है, इसे तरह सानू सुरक्षित रखदा है। हो सकदा है तुसी भी इसे तरह की परेशानी विच हो, सो अज असी प्रार्थना करांगे, हे प्रभु इस बिपता तो तू ही सानू बचा ते तू ही साडी राखी कर। अज जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर तू ही इन्हां दी राखी कर, इन्हां दे कष्टां तों इन्हां दे खतरियां तों इन्हां नू बचा के प्रभु, इन्हां नू अचरज ढंग नाल परेशानियां चों बाहर कढ प्रभु। येसु मसीह दे नाम विच मैं प्रार्थना करदा हाँ। आमीन आमीन।